मेरे पास में 2 साल तक पानी नहीं था, तो मैंने खरीद के पानी लाया और दो साल तक मैंने पौधों को देता रहा और उत्पादन लेता रहा। मैं लाखों में इन्वेस्ट करना पड़ता है, ये जो 2.5 साल 3 साल तक मैंने इन्वेस्ट करता रहा, लेकिन मुझे हिम्मत उस टाइम आई जब पहली फ्रूटिंग मैंने ली और जो जितना मैंने 2.5 साल में उसमें इन्वेस्ट किया था, खर्चा किया था, को जो खर्चा किया था वो सारा खर्चा मेरा पहली फ्रूटिंग में निकल गया। नमस्कार किसान भाइयों, अनार की खेती के बारे में आपको इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारे किसान भाई है, जागरूक किसान, इन्होंने ये अनार का फार्म लगा रखा है, उनका परिचय आपको दीजिए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, मेरा नाम प्रभुत सिंह देवड़ा, गांव सिंदरत, जिला सिरोही का रहने वाला हूँ। जो आपने ये अनार का बाग लगाया है, तो आपको ये सबसे पहले ये बताइए कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि हम अनार का बाग लगाए। देखिए किसान भाइयों, आपको शायद मालूम होगा, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं और उन्होंने एक बात बोली थी, दो बातें वैसे बोली है, मैं आपको उससे रूबरू करवा रहा हूँ। एक तो ये बोली थी कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करना चाहता हूँ या चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने ये बात बोली थी। जरूर बोला। तो मैंने सिर्फ इसी एक लाइन के ऊपर मैंने उस रिसर्च किया कि प्रधानमंत्री 2022 में किसानों की आय दुगनी करना चाहता है 2022 तक। हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ फैसले ऐसे लेंगे जो किसानों के हक में होंगे। लेकिन मैंने उस पे पाया कि अपन यदि हाथ समेट कर बैठ जाते हैं तो किसान, तो प्रधानमंत्री जी किसानों की आय दुगनी कैसे करेंगे। तो मैंने यही कि वो तो करना चाहता है लेकिन अपन क्या कर रहे हैं। हाँ जी। तो मैंने उन्हीं अपने प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा ली और उन्होंने एक और बात बोली थी कि आप चलो या ना चलो देश चल पड़ा है। ये बात भी मैंने उसी पे गौर किया कि अब यदि अपन सोते रहे तो सोते ही रह जाएंगे, कुछ न कुछ अपन को करना है, मतलब वो करना चाहता है लेकिन अपन क्या कर रहे हैं। जागरूक होना पड़ेगा किसान को, जागरूक होना पड़ेगा। हाँ जी। तब मैंने मतलब सारी बातों पे रिसर्च करने के बाद में मैंने ये बगीचा लगाने का फैसला किया और मैंने ये बगीचा 15 अगस्त 2018 के दिन मैंने ये रुपाई की है पौधों की। 15 अगस्त 2018 को दोस्तों, और आज है दिसंबर का महीना 2022 में हम ये भी वीडियो शूट कर रहे हैं। 2018 में आपने बाग लगाया, उसके बाद पहला उत्पादन आपने कब लिया था? लगभग मैंने बाग लगाने के 2.5 साल बाद में मैंने फ्रूटिंग की तुड़ाई की है, मतलब पहला उत्पादन मैंने 2.5 साल के पौधों में से पहली फ्रूटिंग ले ली थी। पहली फ्रूटिंग जी। तो उसमें आपको कितना उत्पादन मिला, जो पहला उत्पादन मिला था उसमें कितना मिला उत्पादन? वहाँ मुझे लगभग प्रति पौधा लगभग 15 किलो से 18 किलो के बीच में प्रति पौधा उत्पादन मिला एक पौधा का। तो अभी अपने आपका जो बाग है इसमें टोटल कितने पौधे लगे हुए हैं अभी? मेरे पूरे बगीचे में 4,500 पौधे लगे हुए हैं। किसान भाइयों को बताइए कि आपने जब पौधे लगाए, जब आपने पहली बार पौधे लगाए, उसके बाद से हमने जब 2.5 साल बाद आपने उत्पादन लिया, उसके बीच में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या क्या समस्या आपके सामने आई? देखिए समस्याओं की तो कोई मतलब पार ही नहीं रहता इसमें, ठीक है। खूब इन्वेस्ट भी खूब करना पड़ता है और मेन समस्या पानी की रहती है। तो साल भर तो मेरे पास में पानी था लेकिन उसके बाद में पानी ख़त्म हो गया, 19 मेरे पास में 2 साल तक पानी नहीं था। तो मैंने खरीद के पानी लाया और दो साल तक मैंने पौधों को देता रहा और उत्पादन लेता रहा। और रही बात इन्वेस्ट की, तो खूब तकलीफ रही क्योंकि इसमें लाखों में इन्वेस्ट करना पड़ता है। बड़ा बगीचा था तो लगभग 5 हेक्टेयर में बगीचा है, तो उसमें इन्वेस्ट की बहुत समस्या आती है। जो 2.5 साल 3 साल तक मैंने इन्वेस्ट करता रहा, लेकिन मुझे हिम्मत उस टाइम आई जब पहली फ्रूटिंग मैंने ली और जो जितना मैंने 2.5 साल में उसमें इन्वेस्ट किया था, खर्चा किया था, जो खर्चा किया था वो सारा खर्चा मेरा पहली फ्रूटिंग में निकल गया। तो मुझे और आगे इस खेती को मतलब अच्छी तरह से संभालने में और हिम्मत आई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो आपने अभी हम जो भी बाग का जो वीडियो बना रहे हैं,
सबसे पहली बात कि इसमें आपने जो वैरायटी लगा रखी है कौन सी लगा रखी है, और उसमें लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी आपने क्या रखी है? वैरायटी भगवा सिंदूरी कहते हैं इसको, और लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट है। 10 फीट है, 10-12 का इनके जो है वो ग्राफ है। ग्राफ तो आपने जो वैरायटी भगवा सिंदूरी लगाई है, ये वैरायटी आपने लगा रखी है, यही आपने क्यों चुनी, आपको यही पसंद क्यों आई? क्योंकि मार्केट में के अनुसार पौधा लगाते हैं, तो मतलब क्या है कि इसकी इस वैरायटी की जो रहने की क्षमता है, माल तुड़ाई होने के बाद में 8-10 दिन तक ख़राब नहीं होता है जो मतलब, और टेस्ट भी बहुत शानदार रहता है इसका। और अनार का जो मार्केट है वो बहुत दूर है, क्योंकि अपने इंडिया से बांग्लादेश और साउथ इंडिया के अंदर और पूर्वी भारत में एक्सपोर्ट होता है अधिकतर, और वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन में माल ख़राब नहीं होता, इसलिए ये मजबूत वैरायटी है भगवा, और इसीलिए इसी का सुनना पड़ा हमको। मतलब दोस्तों ट्रांसपोर्ट में कोई समस्या नहीं आती, लंबे समय तक हम इसको रोक के रोक सकते हैं, वही मुख्य कारण है आपका। देखिए ये जो फ्रूटिंग है ये लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, और ये जो साइज है जो अच्छी तरह से इसकी देखभाल की जाए तो ये 300-400 ग्राम तक भी बढ़ जाता है, जो ये मेरे हाथ में जो है लगभग 300 ग्राम का। दोस्तों देखिए ये साइज है, साइज है। और हाँ किसान भाइयों एक छोटी सी बात की, इन्होंने जो भी हम देख रहे बगीचा दिखा रहे आधी फ्रूटिंग इनकी हो चुकी है, इसलिए फल कम दिख रहे हैं, थोड़े आपको कम दिख रहे होंगे, आधी फ्रूटिंग इन्होंने कर लिया। मैंने अभी तक 32 टन माल इसमें से हार्वेस्टिंग कर लिया है, निकाल लिया 32 टन माल, और अभी लगभग 30-32 टन मेरे पास में माल और हो जाएगा और है आगे। एक इसमें जैसे कि कोई किसान भाई इसमें लगाता है बगीचा, ठीक है, तो हम कोई भी लोकल खेती करते हैं उसमें समस्या नहीं आती मार्केटिंग की, इसमें मार्केटिंग की कोई समस्या आपके सामने ऐसी कभी आई बेचने में कोई समस्या वगैरह, वो थोड़ा सा आप अपने विचार शेयर कीजिए। देखिए आजकल दुनिया को क्या चाहिए, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वांटिटी व्यापारी को चाहिए, क्वालिटी दुनिया वालों को चाहिए, तो अच्छी क्वालिटी होगी और क्वांटिटी में होगा माल तो व्यापारी कहीं से भी आ जाएंगे। और मेरे बगीचे की ये खासियत है कि ऑल इंडिया से यहाँ पे व्यापारी आ जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि क्वांटिटी में माल मिल जाता है उनको, तो क्वालिटी का तो इनके सवाल ही नहीं उठता है। देखिए ये फल, और ये आपने क्वालिटी कैसे बढ़ाई थोड़ा? देखिए मैं, मेरी खुद की ज़मीन है और इसमें मैं देसी खाद पे ज़्यादा जोर देता हूँ, और जो भी उर्वरक है रासायनिक खाद है उसके ऊपर कम से कम, ठीक है, मतलब मैं हर साल कम से कम 2-3 लाख रुपए की देसी खाद इसमें डालता हूँ। और देसी खाद एक ऐसी चीज़ है कि वो क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी का माल देती है अपन को, सुपर क्वालिटी जो उपभोक्ता है उनके लिए भी, सेहत के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहता है। और वैसे लाखों रुपया रासायनिक खादों में ना डाल के देसी खाद में मैं डाल लेता हूँ, तो इसी से मेरी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और पौधा भी स्वस्थ रहे और माल भी अच्छा रहे, इस हिसाब से मैं देसी खाद पर ज़्यादा जोर रखता हूँ। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इसमें आप कितनी बार फ्रूटिंग लेते हो एक बाग में से, और आपका कितना उत्पादन हो जाता है? देखिए ये मेरी तीसरी क्रॉप है, मैंने पहली क्रॉप इन्हीं पौधों से ली थी, 42 टन माल निकला था पहली क्रॉप, ठीक है। दूसरी क्रॉप मैंने निकाली तो 90 टन माल निकला था इसी बगीचे से, ठीक है। और इस बार थोड़ी बारिश की वजह से फ्लावरिंग की सेटिंग में दिक्कत आई तो थोड़ा कम है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है, तो इस बार मैंने 32 टन का तो हार्वेस्टिंग कर चुका हूँ और लगभग 32 से 35 टन का माल अभी हो जाएगा उसके ऊपर, पौधों के ऊपर मौजूद है, तो कुल मिला के मुझे 65-70 टन के आसपास में इस बार माल इस पौधों से मिल जाएगा। 4,500 पौधे। और इसमें थोड़ा भाव वगैरह कोई समस्या आती है इसमें कि इसका कोई बाजार में भाव कितना, कोई इसमें समस्या होगी थोड़ी सी बताइए? देखिए भाव की कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मार्केट में जितना ज़्यादा माल रहेगा उतना भाव डाउन रहेगा, ठीक है। और क्वालिटी अपने पास में अच्छी रहेगी तो भाव की कोई दिक्कत नहीं रहती है।
ठीक है। और वैसे अनार के सौदे होते हैं तो 100 ग्राम से ऊपर के होते हैं, यदि आप सौदा 150 ग्राम से करोगे तो भाव और भी ऊपर आएगा, तो अच्छी क्वालिटी बढ़ाओगे तो अच्छे भाव मिलेंगे, भाव अच्छे मिलेंगे। ये बात अच्छी क्वालिटी है आपके पास में तो कोई भाव की कोई दिक्कत नहीं रहती है, मतलब किसान भाइयों क्वालिटी के पैसे है बाजार में। सही है। इसमें जैसे आपने जो भी बाग लगा रखा है, ठीक है, बड़े एरिया में बाग लगा रखा है, तो आपका सिंचाई का तरीका क्या है, सिंचाई करने की क्या आपकी विधि है वो बताइए थोड़ा सा। देखिए सिंचाई तो जाहिर सी बात है कि इतने 5 हेक्टेयर में बागी बगीचा है तो कोई वैसे खुला पानी तो दे नहीं सकते, इसलिए इसके लिए मैंने ड्रिप लगा रखी है। ठीक है। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि अभी तक मेरा ये तीसरी क्रॉप है लेकिन सिंगल लेटरल के ऊपर ये बगीचा खड़ा है, मतलब किसान भाइयों की एक लाइन पर एक ड्रिप लगी हुई है केवल, यही ना बात, एक ही लाइन है अभी। हाँ। और सिर्फ 2 ड्रीपर है, एक पौधे को 2 ड्रीपर से। हाँ। सिंचाई हो रही है, ये मतलब बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि एक जो अनार की लाइन है उस पर एक ड्रिप लाइन लगी हुई है और एक पौधे के पास में 2 ड्रीपर लगे हुए हैं, सिर्फ 2, एक बड़ी बात है दोस्तों, सोचने वाली बात है किसान भाइयों के लिए। और इसी हिसाब से मतलब क्योंकि अनार में वैसे दोनों साइड में 2-2 लेटरल लगी होती है लेकिन मेरी अभी तक एक ही है, वैसे मेरी पानी की समस्या है तो उस हिसाब से मैंने एक ही लगा रखी है, लेकिन एक होने के बावजूद भी उत्पादन और क्वालिटी जो बन रही है वो कई लोगों से बेहतर है, बेहतर मतलब आप कह सकते हो अच्छी क्वालिटी है और बेहतर क्वालिटी है। तो एक ड्रिप पर जो आप अभी काम चला रहे हो एक अनार में, कम से कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन ले रहे दोस्तों, ये तो ये किसका कमाल है, ये देसी खाद और अपनी मेहनत और समय पर मेहनत, क्योंकि इसमें समय का बहुत मायने रखता है, क्योंकि समय पर जो काम करना है वो समय पर हो जाए, जैसे कोई छिड़काव है पानी देना है तो वो कटिंग है वगैरह जो भी है, समय पर टाइम पर काम होगा तभी पौधा अपन को सही सही उत्पादन देगा, अच्छी क्वालिटी देगा। किसान भाइयों आप अपनी खेती को जितना सुधारोगे, इतनी अपनी जो मिट्टी है उसको जितना सुधारोगे उतना अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा, कम पानी में अच्छी पैदावार मिलेगी, अच्छी क्वालिटी मिलेगी आपको। आप दवाई वगैरह क्या क्या छिड़काव करते हो, कैसे करते हो और कैसे उसका प्रबंधन करते हो? देखिए दवाइयों के वैसे मामले के अंदर तो मैं पेस्टिसाइड का उपयोग कम से कम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी अनार के अंदर बिना दवाइयों के अनार उत्पादन असंभव है, तो इसके लिए हमको जो ये फंगीसाइड है उसका छिड़काव करते रहते हैं और पेस्टिसाइड का तो बहुत ही कम, लेकिन जो अपने जो वो जीवामृत वगैरह वो तैयार करते हैं उसका भी उपयोग करते हैं, सलरी वगैरह इसका भी उपयोग करते हैं, तो और वो समय पर सब करना पड़ता है तभी रिजल्ट मिलता है, मतलब सही समय पर सही दवा का छिड़काव ही ये सब दोस्तों रिजल्ट है इनका, यही है इनका कमाल। आपने जैसे अभी बहुत तना पद्धति लगा रखी है, मतलब बहुत एक पौधे पर 3 से 4 तने आपके, ठीक है, कई किसान भाई इसमें एक तना पद्धति भी रखते हैं, सिंगल पतना होता है और उस पर पूरा पेड़ होता है और उस पर फल लगते हैं, तो ये विधि सही है आपकी या फिर वो सिंगल तना पद्धति सही है? नहीं ये जो 3-4 तने हैं तो ये सही रहता है। हाँ। क्योंकि एक तो इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हाइट ज़्यादा होगी तो वो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा बाहर सहन नहीं कर पाएगा और वो गिरेगा और माल कोई तुड़ाई वगैरह इसकी जो कटिंग है वगैरह उसमें आसानी रहती है तो 3-4 तने चाहिए। तो उत्पादन में कोई फर्क पड़ता है इससे सिंगल वाले या फिर आपकी पद्धति उससे? इसमें बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कितना उसका कोई कह नहीं सकता वो जमीन के ऊपर, लेकिन उत्पादन मतलब आप मेरा कहना मतलब ये कि इसमें उत्पादन ज़्यादा मिलता है या फिर उससे कम मिलता है ये बताइए? उत्पादन में फर्क रहता है क्योंकि एक तो 3-4 तने होते हैं तो अपन उस हिसाब से माल की सेटिंग करते हैं उसके ऊपर, एक तने के ऊपर 25 किलो वजन डालेंगे। हाँ। तो वो जाहिर सी बात है कि वो गिरने की समस्या आ सकती है, ठीक है, और इसमें 3-4 तने या तो 2-2, 4-4 किलो वो माल अब एक एक तना रख सकता है। क्या क्या रोग लगते हैं अनार की खेती में, सबसे ज़्यादा जो रोग लगते हैं और उनका आप कैसे रोकथाम करते हो, उनसे आप कैसे बचते हो?
देखिए रोग खूब लगते हैं इसमें। हाँ जी। सबसे पहले तो इसमें एक थ्रिप्स लगता है जो अपने फ्लावरिंग की सेटिंग होती है उसी टाइम थ्रिप्स की समस्या आती है, तो उसके लिए फिर दवाइयों का छिड़काव करना ही करना पड़ता है। ठीक है। और उसके बाद में थोड़ा फ्रूट बड़ा होता है तो फंगीसाइड का भी खतरा रहता है, तो फंगीसाइड का स्प्रे समय समय पर करना पड़ते हैं। और उसके उपरांत एक तितली आती है जिसको मौत बोलते हैं। हाँ। और वो पंचर करती है फ्रूट को। मतलब दोस्तों ये हमारे यहाँ भी समस्या आई थी। हाँ। तो मतलब फ्रूट पे डंक लगाती है कुछ नहीं, ये फ्रूट है एकदम आपको सही लगेगा कुछ पता ही नहीं चलता है। अंदर से पूरा खराब हो जाता है। और अंदर से पूरा खराब हो जाता है फ्रूट। उसके लिए बहुत क्योंकि वो किसी पेस्टिसाइड वगैरह से भी उसकी मौत नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर रात को टॉर्च दे के आदमियों को लगाते हैं और एक तितली को मारने का 5 रुपया इस हिसाब से 8-10 दिन तक वो 3-4 आदमियों को शाम को अंदर घुमाते हैं और वो उस तितली को पकड़ के मार के कंटेनर में बंद करके वो लाते हैं, तो उस हिसाब से उस तितली का कंट्रोल करते हैं हम। तो अब थोड़ा सा बताइए किसान भाइयों को कि हम देखिए यहाँ पर जैसे इस साइड में है अभी जो क्रॉप कवर लगा हुआ है, ठीक है जी जी, और यहाँ पर इस साइड में जैसे कि देखिए ये थैली लगी हुई है, तो आपने ये दो अलग अलग विधि लगाई है, तो इसमें ये तरीका ठीक है या फिर ये क्रॉप कवर वाला ठीक है? देखिए ये क्या हुआ था कि क्रॉप कवर कम पड़ गया, तो मेरे 2 साल पहले मैंने थैलियाँ पर फ्रूट के थैलियाँ पहनाई थी, ठीक है, तो वो कुछ पड़ा था तो मैंने इसको थैलियों से ही कवर करना उचित समझा। ठीक है। मतलब इसमें और इसमें फ़र्क ये रहता है कि इसमें फ्रूट पूरा ढका रहता है, ठीक है, और पूरा पौधा खुला रहता है, खुला पौधा पूरा तो खुला रहता है। पौधे को धूप भी मिलती है और छिड़काव करने में भी आसानी रहती है, और ये पूरा मतलब पौधा पूरा ढका रहता है। हाँ। तो छिड़काव करने में वगैरह में इसमें थोड़ी समस्या रहती है, तो फिर नीचे से छिड़काव करना वगैरह वो, और इसमें पौधा पूरा खुला रहता है। और खर्चे में कोई इसमें डिफरेंस में और काफ़ी रहता है क्योंकि ये लेबर कॉस्टिंग ज़्यादा आती है इसमें क्योंकि थैली अपर फ्रूट को पहनाने में काफ़ी खर्चा रहता है, ठीक है, और ये ढकने में कम रहता है, कम इसमें रहता है जी, मतलब ये सस्ता रहता है। मतलब किसान भैया दोनों में फायदे भी है कुछ नुकसान भी है। ये थोड़ा सा बता दीजिए कि क्रॉप कवर जरूरी क्यों है? देखिए एक तो सन बर्निंग जो होती है, ठीक है, उससे धूप छटा बनता है और वो ढकने से सन बर्निंग नहीं आती है, रात को ओस गिरती है वो फ्रूट के ऊपर ओस नहीं गिरती है, और पक्षियों से भी बचाव होता है। ये तीनों चीज़ें फ्रूट को ढकने से मतलब अपन को लगाने मिलती है और लगाने से अच्छी क्वालिटी बनती है, जो फल की जो चमक होती है वो बरकरार रहती है। वीडियो क्लास में हमारे किसान भाइयों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे, थोड़ा सा विचार अपने शेयर कीजिए। ये किसान भाइयों को यही मैं कहना चाहूँगा कि समय के अनुसार अपना सोच को भी बदलनी पड़ेगी और टेक्नोलॉजी का उपयोग करो और सही प्रबंधन के हिसाब से अब खेती मतलब करनी चाहिए और जागरूक होना पड़ेगा तभी खेती फायदे का सौदा है। मैं ये खेती कर रहा हूँ तो मुझे इस हिसाब से कि कितना उत्पादन देगी ऐसा नहीं है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मैंने बगीचे में 15 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, साल भर खर्चा डालते रहते हैं, ठीक है, और उसमें से मैं 30 निकाल लेता हूँ, तो ऐसा कोई बैंक नहीं है कि वो एक साल के अंदर दुगना पैसा करके दे सकता है, ऐसा कोई संभव नहीं है। इस मानसिकता के हिसाब से मतलब खेती करनी पड़ेगी अपन को। ठीक है किसान भैया, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक भी करें, और ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए रत्न एग्रीटेक चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।